हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं एक और आसान सा निटिंग पैटर्न लेके आई हूँ और ये सभी के लिए यूज़ हो सकता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 6 रोज़ को हम रिपीट करके ये डिज़ाइन बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो है बीच में मैंने इस तरह से ये लाइंस बनाई हैं। अगर आपको ये नहीं बनानी है तो आप सिर्फ 4 रोज़ को जो है उन्हें रिपीट करके बना सकते हैं, शुरू की 2 रोज़ आप स्किप करके। तो ये इसकी फ्रंट साइड है और इसकी रॉन्ग साइड जो है वो ऐसे नज़र आएगी। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फंदे हमने लेने हैं सारे के सारे इवन नंबर में, 2+2+2 इस तरीके से, ये देखिए। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे शुरू किया है वैसे ही हम इसे ऊपर यहाँ पे शुरू करेंगे। इसे बनाने से पहले आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर बना सकते हैं, या आप पर्ल वाइज इस तरीके से भी बॉर्डर बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना है तो इन्हीं 6 रोज़ को आप रिपीट करके ये प्रोजेक्ट जो है आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया वैसे मैं यहाँ पे बना के बता रही हूँ। तो 6 रोज़ में हम इसे बनाएंगे, फ्रंट साइड से शुरू करेंगे और लास्ट रो 6th रो हमारी रॉन्ग साइड पर होगी। तो रो 1 देखिए हम कैसे बनाएंगे। पहला फंदा सीधा बुन लेंगे, उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं हमने सीधे ही बुनने हैं इस तरीके से। तो ये रो हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो रो 1 जो है कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड पे रो 2 बनाएंगे। इसके लिए पहला फंदा कर लेंगे स्लिप, उसके बाद सारे के सारे फंदे हमने इस रो में भी इस तरीके से सीधे सीधे बुनने हैं ऐसे। तो ये सिंपल रो है इसलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं। इसके बाद फ्रंट साइड पे अब हम रो 3 बनाएंगे और रो 3 और रो 4 जो है हम रो 1 और रो 2 को ही रिपीट करके बनाएंगे। और देखिए अगर आपको ये जो है बीच में इस तरीके से लाइन नहीं बनानी है तो आप इन्हीं 2 रोज़ को छोड़ सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं। उसके बाद रो 3 से 6 तक रिपीट करके आप ये वाले डिज़ाइन रिपीट करके बना सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से डालनी है तो आप अब इन्हीं 2 रोज़ को यहाँ पे रो 1 और रो 2 को रिपीट करके रो 3 और रो 4 बनाएंगे। तो अब हम पहला फंदा स्लिप करने के बाद धागा पीछे करके सारे के सारे फंदे सीधे बनाएंगे रो 3 पर। तो रो 1 और रो 2 को ही रिपीट करना है रो 3 और रो 4 पे। तो सिंपल रोज हैं तो फटाफट से बना लेते हैं फ्रेंड्स। रो 3 अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बनाएंगे हम रो 4। पहला फंदा यहाँ पे भी स्लिप कर लेंगे और उसके बाद सारे के सारे फंदे हम ऐसे सीधे सीधे बुन लेंगे। तो 4 रोज जो है शुरू की देखिए हमने दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनी है। तो 4 रोज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और फिर ये 2 लाइंस हमारी इस तरीके से बनी हैं। लेकिन हम बाद में जो है अब रो 5 जब बनाएंगे तो ये हमारी एक ही लाइन इस तरीके से बीच में नज़र आएगी। तो रो 5 पर देखिए हम क्या करेंगे। पहला फंदा हम करेंगे स्लिप, धागा कर लेंगे पीछे। अब देखिए अब जो ये हमें 2 फंदे नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट, अब इसके आगे जो ये वाला गैप है इसके गैप के नीचे एक धागा ये है और इस धागे के नीचे वाले गैप में हम इस तरीके से सिलाई डालेंगे। देखिए ये 2 धागे के आगे वाला ये गैप, उसके नीचे एक धागे नीचे से सिलाई डाल के हम इस तरीके से एक लूप यहाँ पे इस तरीके से
पिक करेंगे, देखिए एक धागे नीचे से हल्का सा ऐसे लूज रखेंगे। और अब हमने देखिए क्या करना है, अब ये जो फंदे हैं इन्हें हम इस तरीके से सिलाई डालते हुए दोनों को सीधा बुन देंगे, दो का एक ऐसे कर लेंगे यहाँ पे। तो जैसे इन दो फंदों पर किया है वैसे ही हर दो फंदों पर करेंगे। यहाँ देखिए ये गैप है, उसके नीचे एक धागा ये है, ये देखिए खोल के देखेंगे तो ये वाला धागा नज़र आ रहा है। इसके नीचे वाले यहाँ पे गैप पे से हमने ऐसे लूप उठाना है और दो इन दोनों फंदों को हमने साथ में सीधा बुन लेना है ऐसे। तो अब इन्हीं दो फंदों को हम बार बार रिपीट करेंगे एंड तक। ये देखिए ये ऐसे, ये लूप जो उठाएंगे इसे बहुत ज़्यादा लूज नहीं रखना है ना बहुत ज़्यादा टाइट रखना है ऐसे। तो हम इन दो फंदों को एंड तक ऐसे ही बनाते जाएंगे और रो वन ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो ये एंड वाले दो फंदे हैं। अब देखिए यहाँ पे भी हमने ध्यान से जो है एक धागे नीचे से जो है वो लूप ध्यान से उठा लेना है ऐसे, देखिए देख कर उठाइएगा। ये इस तरीके से और फिर दोनों को साथ में सीधा बुनना है और लास्ट में ऐसे हम सीधा ही बुन लेंगे ऐसे। तो ये जो है हमारे रो 5 ऐसे बनेगी। अब रो 6 फाइनल रो है हमारी, ये देखिए। तो इसके लिए पहला फंदा कर लेंगे हम स्लिप और एक फंदा हम बुनेंगे उल्टा। ये देखिए एक फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा हमने उल्टा बुना है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हमारे पास दो दो के ग्रुप में ये जो है फंदे हैं तो, और ये अब एक अकेला है तो अब इसे हमने जो है इसके साथ बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे देखिए, इन दोनों के बीच में हम इस तरीके से सिलाई डालेंगे इस गैप में और यहाँ पे धागा हम दूसरी ओर कर लेंगे फ्रंट साइड की ओर और यहाँ ये एक लूप हम इस तरीके से उठा लेंगे और इन दोनों को हमने ऐसे सीधा इकट्ठा बुन लेना है ऐसे। तो यही दो फंदे हमने रिपीट करने हैं एंड तक। तो रो 5 और रो 6 ऑलमोस्ट हमारी जो है सेम है, लेकिन वहाँ पे हमने एक धागे नीचे से लूप उठाया था और यहाँ पे हम इस तरीके से लूप उठा रहे हैं और फिर दो फंदों को साथ में हमने सेम इसी तरीके से दोनों रोज में दो का एक करना है। तो ये इस तरीके से, तो बहुत ही आसान ये डिज़ाइन है, बिगिनर्स इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए ये एंड तक जो है हम इस तरीके से बनाएंगे, लास्ट में हमारे पास जो है दो फंदे रह जाएंगे तो हमने दो फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। और अगर आप चाहते हैं इन दो फंदों को, शुरू के दो फंदों को भी आप इसी तरीके से बनाना चाहते हैं जैसे कि हमने बीच के सारे दो दो फंदे बनाए हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है दो फंदे उल्टे दोनों साइड पर बुने हैं। तो ये हमारी रो 6 जो है इस तरीके से कंप्लीट होगी और अब इसके बाद जो है हमने यही 6 रो जो है रिपीट करते जाना है ऊपर को। अगर आपको देखिए ये लाइन नहीं बनानी है तो आप शुरू की दो ही सिलाइयां दोनों तरफ से सीधी सीधी बनाइए और उसके बाद 5th और 6th रो जैसे बनाइए वैसे आप बनाइए। तो ये बहुत ही आसान ये डिज़ाइन है और बहुत अच्छा लगता है, देखिए बहुत ही प्यारा लगता है, अलग सा इसका लुक है, देखिए बहुत
ये अच्छा बनता है और ये बेबी सेट्स पे बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा जैकेट्स, लेडीज़ कार्डिगन्स वगैरह जो हैं उस बहुत अच्छे इस डिज़ाइन से जो हैं वो बनेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।